दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे ऑफिशियल चैनल स्टूडेंट अड्डा लाइव में। दोस्तों, आपको मैं आज के डेट की एक बड़ी खबर की जानकारी बताना चाहूँगा, जिसमें कि अभी आई हुई है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से ये वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि आपको इस वीडियो में सारी जानकारी इसके माध्यम से बताऊँगा। जैसा देख पा रहे हैं कि आपको दिया गया है कि रिक्वायरमेंट ऑफ स्केल 1 ऑफिसर के बारे में, ठीक है। जैसे कि आप भी यहाँ चेक कर पा रहे हैं, जनरल इंश्योरेंस और कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से वैकेंसी आई है, जिसमें कि आपको टोटल 44 ऑफिसर पोस्टों के लिए वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर की, जो कि मुंबई के लिए ये वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। और इसके बारे में बताना चाहूँगा, इसमें कि जो है स्टार्ट की ऑनलाइन स्टार्टिंग की डेट जो है रजिस्ट्रेशन की डेट वो 11 मार्च 2021 से स्टार्ट होने जा रही है, जो कि आज की डेट से, और इसकी लास्ट जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है 29 मार्च 2021 तक है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसकी जो लास्ट फी की पेमेंट की डेट जो दी गई है 11 मार्च टू 29 मार्च तक आप लास्ट फी इसकी जमा कर सकते हैं। इसकी टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट जो दी गई है 9 मई को आफ्टरनून शिफ्ट में इसकी एग्ज़ाम होगी, ठीक है। उसके बाद इसकी डाउनलोडिंग कॉल लेटर एग्जामिनेशन की जो डाउनलोडिंग होगी, एग्ज़ाम से ठीक 10 दिन पहले आप डाउनलोड कर पाएंगे। और वहीं पीडब्ल्यूडी और प्री रिक्रूटिंग ट्रेनिंग के लिए एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 26 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच रखी गई है, ठीक है। इसको जो अप्लाई करनी है ओनली फॉर ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई कर सकते हैं, और ऑफलाइन इसकी मोड अप्लाई नहीं होती है। चलिए इसकी वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले पोस्ट जो आई है फाइनेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, जिसमें कि 15 पोस्टों की वैकेंसी आई हुई है। इसमें जो है आपको ग्रेजुएशन मिनिमम 60% मार्क्स के साथ जनरल को होना चाहिए, एंड ओबीसी कैंडिडेट 55% और के साथ एससी एसटी कैंडिडेट को होनी चाहिए। उसके बाद जो आता है जनरल के लिए 15 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से जिसमें मिनिमम 60%, वहीं जनरल ओबीसी के लिए और कैंडिडेट एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 55%। लीगल के लिए भी 4 पोस्ट के आई हुई है, बैचलर डिग्री इन लॉ होनी चाहिए, ठीक है, और जिसकी एडवोकेट में मिनिमम जो है इसकी 60% मार्क्स होनी चाहिए जनरल एंड ओबीसी के लिए, वहीं एससी एसटी के लिए 55%। फिर इंश्योरेंस में जो है 10 पोस्ट आई हुई है, जिसमें कि आपको ग्रेजुएशन एनी डिग्री दी गई है, जिसमें 60% मार्क्स के साथ ओबीसी कैंडिडेट को और जनरल कैंडिडेट को होनी चाहिए, वहीं 55% एससी एसटी के लिए होनी चाहिए, ठीक है। इसमें जो है खास बात है कि डिग्री और डिप्लोमा जनरल इंश्योरेंस, रिस्क मैनेजमेंट, लाइफ इंश्योरेंस या एफआईआई एफसीआईआई पोस्टों के लिए भी अप्लाइड है, ठीक है। वहीं आपको दिया गया है कि कैंडिडेट जो है जो पास आउट होनी चाहिए कोई भी स्ट्रीम से क्वालिफिकेशन के लिए, वो 1 फरवरी 2021 तक में पास आउट होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि आप एग्जाम ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वही कैंडिडेट यहाँ फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बातें करते हैं आगे कि इसमें पोस्टों की जो वैकेंसी रिजर्वेशन कोटा की तरह दी गई है, जनरल के लिए 18 पोस्ट, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 14 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3, पीएच कैंडिडेट के लिए 2, यानी टोटल 44 सीटों की वैकेंसी अभी आई हुई है। और मिनिमम एज की लिमिट्स की बातें कर लेते हैं, तो मिनिमम एज 21 ईयर्स, जो कि 1 फरवरी 2021 को, और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है, यानी 2 फरवरी 2091 के से 1 फरवरी 2000 के बीच होनी चाहिए, ठीक है। वो आपको एज रिलैक्सेशन आपको दिए जाएंगे एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद हम बातें कर लेते हैं आगे, इसमें आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, किस प्रकार से बातें कर लिया मैंने। अब इसके लिए जो आप चॉइस ऑफ सेंटर का रिटर्न टेस्ट का दे सकते हैं, वो सभी जगहों पे दे सकते हैं, जैसे कि आपका दिया गया है आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, चंडीगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस प्रकार से आपको जहाँ नज़दीक लगे वहाँ आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। और सारे भी दी गए हैं स्टेट्स, तो वहाँ आप एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद बातें कर लेते हैं जो एग्जामिनेशन का क्या क्या आपका रहेगा, कैसा एग्जामिनेशन हो पाएगा। पार्ट वन का जो एग्जामिनेशन है सभी पोस्टों के लिए कॉमन होगा, ठीक है। और पार्ट बी जो कि पार्ट वन जो है
ऑब्जेक्टिव टाइप के ही रहेंगे क्वेश्चन, और वही पार्ट बी जो रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। इसमें जो है टेस्ट इन रीजनिंग, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर वोकेबलरी, और टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर लिटरेसी। ठीक है, वहीं पार्ट सी में रह जाएगा टेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, एसे, प्रेसिस एंड कम्प्रीहेंशन। फॉर जनरल स्ट्रीम के लिए भी दिया गया है हायर ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी क्रिटेरिया, क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, उसके बाद वही पार्ट टू में भी सेम आपको दिया गया है, पार्ट सी में भी आपको सेम दी गई है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है, मिनिमम क्वालिफाइंग जो होनी चाहिए टेस्ट में जो 60% आपको आनी चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे जनरल और ओबीसी के लिए। वहीं एससी एसटी के लिए 50% आने के बाद भी वो क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, और इसमें आपको निगेटिव मार्किंग दिया गया है, 1/4 के हिसाब से निगेटिव मार्किंग रहेगी, और क्वेश्चन जो आएंगे हिंदी एक्सेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बातें कर लेते हैं कि टोटल आपका जो टेस्ट टाइमिंग होगा 150 मिनट का होगा, जिसमें 30 मिनट पार्ट वन ऑब्जेक्टिव रहेगा, 60 मिनट पार्ट बी ऑब्जेक्टिव, और 60 मिनट जो रहेगा पार्ट सी डिस्क्रिप्टिव में रहेगा। ठीक है, यानी 150 मिनट आपको दिए जाएंगे इसके लिए। ठीक है, उसके बाद हम बातें कर लेते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको देनी है, जिसमें कि आपको पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटोकॉपी इस प्रकार से रहने होंगे। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस प्रक्रिया है। ठीक है, इसी प्रकार से आप प्रोसेस को फिल कर पाएंगे। ठीक है, अप्लीकेशन फॉर EWS कैंडिडेट के लिए भी दी गई है, किस प्रकार से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, सारे इंस्ट्रक्शन आपको इस PDF के माध्यम से नीचे दिए गए हैं। और एक बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आपको इसमें जो अप्लीकेशन फ़ी जो लगेगी उसमें कितनी लगेगी, अप्लीकेशन फ़ी जो लगेगी जो कि 850 रुपये है, प्लस GST दिया गया है प्रोसेसिंग फ़ी जो कि रहेंगे, और वो कैंडिडेट बिलोंग्स SC ST कैटेगरी के लिए भी, और फीमेल कैटेगरी एम्प्लॉय ऑफ GIC या GPSA मेंबर के लिए कोई भी फ़ी नहीं लगेंगे, वो बिना फ़ी के कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको स्टेप दिया गया है अप्लाइंग का, किस प्रकार से आप स्टेप को फॉलो करके पेपर फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इसमें सारी जानकारी आपको दी गई है। तो इस प्रकार से आप अपने पेपर को फिल कर सकते हैं जिसके कारण एग्ज़ाम दे पाए। ठीक है, तो दोस्तों हमारी ये जानकारी कैसी लगी है हम अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन की जानकारी इसी प्रकार हमारे द्वारा मिलती रहे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इस प्रकार की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।